अगली खबर अंधविश्वासों को लेकर है। बालाघाट में अंधविश्वास के चलते एक महिला की जान चली गई। कई दिनों से बीमार महिला को परिजन झाड़ फूंक के लिए दो तांत्रिकों के पास ले गए थे। तांत्रिकों ने भूत भगाने के नाम पर महिला की पीट पीट कर जान ले ली। दो तांत्रिकों ने भूत भगाने के नाम पर महिला की हत्या कर दी है। उसके शरीर पर कई जगह दांतों से काटा, खूब पीटा भी है। इससे उसके हार्ट और फेफड़ों में भी चोटें आईं। पसलियां, गर्दन और रीढ़ की हड्डियां भी टूट गई। मामला कटंगी से करीब 2 किलोमीटर दूर ग्राम चिचगांव कोल्हापुर का है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तांत्रिकों को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को मृत महिला गीताबाई उम्र 40 वर्ष का पोस्टमार्टम करवाया गया है। कटंगी अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर पंकज महाजन ने बताया कि पीएम में आंतरिक चोट होना पाया गया है। महिला के पति सुंदरलाल बाहेश्वर ने बताया कि शुक्रवार रात को उसकी पत्नी गीता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद हम झाड़ फूंक कराने के लिए ग्राम खजरी में तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक जूनियर मात्रे और टामलाल बाहेश्वर ने गीता के शरीर में प्रेतात्मा होने की बात कही। इस बीच में भगवान की सवारी आने का दावा करने लगे। इसके बाद उन्होंने गीता बाई को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जब तांत्रिक मारपीट कर रहे थे तो हमने उन्हें रोका, लेकिन वे दोनों नहीं माने और मेरी पत्नी के बेसुध होने तक मारपीट करते रहे। जब वह बेहोश हो गई तो उन्होंने डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा। हम पहले गांव के एक डॉक्टर के पास ले गए, जहां उन्होंने हमें अस्पताल जाने के लिए कहा। इसके बाद रात में ही कटंगी अस्पताल पहुंचे। कटंगी में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार 40 साल की मृतक महिला 2 बच्चों की मां थी। महिला का एक बेटा और एक बेटी भी है। नवरात्रि त्योहार के बाद से महिला की तबीयत खराब थी, जिस कारण से उसे झाड़ फूंक कराने के लिए तांत्रिक के पास लेकर गए थे। इस मामले में कटंगी थाना प्रभारी अमित सारस्वत ने बताया कि दोनों तांत्रिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके एक सहयोगी को भी पकड़ा गया है। तांत्रिक जूनियर मात्रे और टामलाल बाहेश्वर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। और चप्पल से बहुत मारा है बूढ़ी तरफ से, और ऐसा घुमाया कि जैसे सर्कस वाले बच्चे उसको आसपास घुमाते हैं। बाबा से अपराध पंजीबद्ध करेंगे। डॉक्टर साहब द्वारा 60 पीएम रिपोर्ट ली गई है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया डॉक्टर साहब ने कि मृतिका को चोटे के कारण ही उसकी मृत्यु होना निश्चित है।